हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं मैसी पोनी टेल, जिसके लिए हेयर प्रिपरेशन में हमें करना है प्रॉपर ब्लो ड्रायर और ईयर टू ईयर पर आप क्रिम्पिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमें ईयर टू ईयर पार्टिंग अलग से निकाल देनी है और छोटा सा सी सेक्शन निकाल देंगे वॉल्यूम के लिए। एंड इसके बाद जो भी रिमेनिंग हेयर बैक पे बचेंगे उसकी हमें पोनी टेल बना लेनी है। तो सारे हेयर को अच्छे से नीट करना है, स्प्रे की हेल्प से आप नीट कर सकते हो, और मिडल पर एक आप पोनी टेल अच्छे से बना दोगे लूप की हेल्प से, ठीक है। अगर आपकी क्लाइंट की डिमांड है कि नीचे पोनी बनानी है तो आप नीचे बना सकते हो, हाई बनानी है तो आप हाई भी बना सकते हो। सो यहाँ पे अब हमने सी सेक्शन ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा स्प्रे करेंगे एंड बैककोम करेंगे वॉल्यूम के लिए। तो एक से दो सेक्शन निकाल के इसमें हम अच्छे से बैककोम कर लेंगे। और मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर क्लाइंट के हेयर मीडियम लेंथ के हैं या फिर थोड़े और छोटे हैं तो आप लो पोनीटेल बनाओ, उससे लेंथ लंबी लगेगी। और अगर क्लाइंट के बाल अच्छे खासे लंबे हैं तो आप मिडल या हाई पोनीटेल बनाओ, उसमें भी वो पोनी बहुत ही ग्रेसफुल लगेगी। सो अब हमें क्या करना है, हमने पफ बना लिया, इसको अच्छे से नीट करेंगे और हम इसको लॉक कर देंगे बिल्कुल पोनीटेल के पास में। इस हेयर स्टाइल में हम फ्रंट पे कर्ल्स नहीं करेंगे, उसको हम बस लेयरिंग के साथ कंप्लीट करेंगे और कर्ल्स हम बैक पे करेंगे। सो यहाँ पे हमने पफ बना लिया है हल्का सा स्प्रेड करते हुए, और इसके बाद अब हम इसको हमने यू पिन से लॉक कर दिया है और अब हम फ्रंट सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक डायगोनल सेक्शन ले लिया है, सबसे पहले हम इसको बैक कॉम करेंगे एंड इसको सेट करेंगे। सो यहाँ पे बैक कॉम करेंगे, बैक कॉम पे थोड़ा सा स्प्रे करेंगे एंड दूसरा सेक्शन भी इसी के साथ में हमने थोड़ा सा बैक कॉम किया वॉल्यूम के लिए और इसको भी हमने सेट कर लिया है। फ्लिक्स छोड़ना ना भूले, फेस ट्रिमिंग के लिए फ्लिक्स छोड़ना इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज़ उसका मैसी पोनीटेल का कोई लुक नहीं आता है। बहुत नीट नीट करोगे तो वो स्लीक लुक में चली जाएगी। मैसी में लुक देनी है तो आपको फ्लिक्स भी छोड़नी पड़ेगी और थोड़ा सा लेयरिंग पैटर्न भी देना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पर दे रहे हैं इस तरीके से। और इसी तरह आप जी कॉम यूज़ कर सकते हो फिनिशिंग देने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है बैक कॉम करी होती है ना तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मैसी लगता है, तो आप इस तरीके से जी कॉम से या फिर टेल कॉम की हेल्प से नीट कर सकते हो। और जैसे हमने लेफ़्ट पार्ट सेट किया उसी तरह हम राइट पार्ट भी सेट कर लेंगे। सो इसमें जस्ट हमें थोड़ी थोड़ी बैक कॉम करनी है और इसमें भी हम फ्लिक्स निकाल देंगे जैसे हमने दूसरी साइड पर निकाली है। एंड फ्लिक्स आपको हमेशा फेस ट्रिमिंग और फेस के अकॉर्डिंग ही निकालनी है। क्लाइंट को भी पता होता है कि उसकी कैसे फ्लिक्स अच्छी लगती है, तो क्लाइंट से भी पूछेंगे। एंड बस इसको हमें सेट कर लेना है, थोड़ी सी वैक्यूम करनी है वॉल्यूम के लिए एंड लेयर्स निकाल देनी है। सो लेयर्स यहाँ पे हम रैंडम निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत एक के एक अलग से निकाल रहे हैं, जस्ट रैंडम लेयर्स निकाल के, क्योंकि आजकल जो फैशन है ना दैट इज़ लाइक मैसी का फैशन है और सटल मैसी का फैशन है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बिखर जाए सब कुछ, और ऐसा भी नहीं कि अलग अलग से एक एक चीज़ लेयरिंग और डेफिनेशन अलग से दिखे, वो भी नहीं। तो सटल का फैशन है, सिंपल का, वही हम चीज़ कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, एक छोटा सा सेक्शन लेना है और उसको रबर बैंड पे अच्छे से ओवरलैप कर देना है जितनी बार हो सकता है, 3-4 बार, और स्प्रे की हेल्प से इसको नीट भी करते जाना है ताकि वो बिल्कुल भी बाद में बिखरे नहीं। और इसके बाद हम इसको लॉक कर देंगे बॉब पिन की हेल्प से। तो काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि लॉक कैसे करना है, तो देखो लॉक कैसे करना है कि आपको बिल्कुल जो एंड है उसे स्प्रे से लॉक प्रॉपर स्प्रे कर दोगे उस पर, और उसके बाद बॉब पिन से पूरा सेक्शन जो एंड है उसका वो पूरा उसमें अड़ा लोगे पेन में, और उसके बाद उसको अंदर डाल दोगे नीचे से, बस ये करना है। उसके बाद आपको एक एक सेक्शन लेना है और उसमें कर्ल करने हैं। कर्ल आप चाहो तो अलग अलग डायरेक्शन में कर सकते हो, यहाँ पे हमने एक लेफ्ट एक राइट अलग अलग डायरेक्शंस में करें, आप सिंगल डायरेक्शन में भी कर सकते हो, और आप चाहो तो फ्लैट ट्रैप कर्ल कर सकते हो नॉर्मल वाले भी। यहाँ पर हमने प्रॉपर जो टोंग कर्ल्स होते हैं वो करे हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कर्ल्स करने हैं बस आपको, और नीट कर्ल्स करने हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ मैसी करना है, क्योंकि अभी हमें इसमें वॉल्यूम भी देनी है तो बैक कॉम भी होगी। और आप देख सकते हो फ्रंट हमने किस तरीके से सेट किया, हमने बहुत ज़्यादा नीट भी नहीं रखा है और बहुत ज़्यादा कर्ल्स भी या ऐसा कुछ नहीं किया कि बहुत ओवर लगे। सो ये हेयर स्टाइल आप उन लोगों को दे सकते हो जिनको बिल्कुल सटल सा कोई लुक चाहिए होता है बट क्लासी भी चाहिए होता है एट द सेम टाइम। तो अब हम ये वाला हेयर स्टाइल बहुत सारी ब्राइड टू बी का भी करते हैं या बहुत सारी ब्राइड्समेड का भी करते हैं। सो डिपेंड करता है कि क्लाइंट कैसा है, तो आप हेयर स्टाइल उनके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे बैक कॉम कर दी है और कितना अच्छा वॉल्यूम ऑलरेडी आ गया है। अब रिमेनिंग हेयर पर भी हम कर्ल कर देंगे। टेम्परेचर जैसे कि मैं बताती हूँ, डमी पे आप 160 टू 180 के बीच में रख सकते हो और रियल हेयर पर आप 190 से 210 के बीच में रख सकते हो।
एंड यहाँ पे हमारे काफ़ी कर्ल्स हो चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा नीट करेंगे, स्प्रे से लॉक कर देंगे अच्छे से कर्ल्स को। और अब बारी आती है फ्रंट फ्लिक्स को कर्ल करने की। तो जब भी अगर थोड़े शॉर्ट हेयर होते हैं ना तो मैं आयरन कर्ल्स करती हूँ, और अगर लॉन्ग हेयर होते हैं तो ये टोंग से कर्ल करती हूँ। सो यहाँ पे लॉन्ग है थोड़ी सी फ्लिक्स, तो हम यहाँ पे टोंग कर्ल्स कर रहे हैं। और इसको स्प्रेड कैसे करना है, देखो फेस फ्रेमिंग अच्छे से करनी है तो आपको इसको इस तरीके से स्प्रेड भी करना है और साथ के साथ स्प्रे भी करना है लाइक दिस। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक इफ़ेक्ट आ जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पे हमने ले ली है पर्ल स्ट्रिंग। तो बेसिकली हम ये पर्ली पर्ली सा हेयर स्टाइल करने वाले हैं। सो पर्ल स्ट्रिंग ले लिए, ऑनलाइन मिल जाएगी इजीली। एंड इसके बाद आपको इसको लॉक कर देना है फाइन पिन की हेल्प से। जब भी आप कोई हल्की चीज़ या हल्का बाल सेट कर रहे हो तो आप फाइन पिन का यूज़ करो, दैट इज़ बेस्ट फॉर एवरीथिंग। अब यहाँ पे भी हम फाइन पिन से इसको इस तरीके से लॉक कर रहे हैं, और बहुत ही सुंदर सा ये लुक हमें मिलने वाला है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अब मैं पर्ल सेट कर रही हूँ, तो पर्ल्स मैं आपको एक बार जूम करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारे पास पर्ल पिन मिल जाती है, नहीं भी है तो आप जस्ट फाइन पिन में पर्ल लगा दो, आपकी पर्ल पिन बन जाएगी। और यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको जगह मिले वहाँ वहाँ पे इसको अंदर डाल दो, और मेक श्योर करना कि आपकी पिन जो है वो नीचे से थोड़ी सी मुड़ी हुई हो ताकि वो फिक्स हो जाए आपकी पिन हेयर में। एंड यहाँ पे अगर आपके पास छोटे बड़े पर्ल्स हैं तो आप वो भी लगा सकते हो, कोई और एक्सेसरी लगाना चाहते हो, स्टिकर लगाना चाहते हो, बिल्कुल आपकी चॉइस है आपको क्या एक्सेसरी लगानी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो चुका है। ऐसे और हेयर स्टाइल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।